तो बिल्कुल वो करते हैं सर, शांतिपूर्वक हमारा रहेगा। लाभ क्या है सर, हमारा इसको थोड़ा सा सम्मान भी मिलेगा सर और संबल भी मिलेगा सर। हमने कलेक्टर साहब को जो हमारे यहाँ पूरा जो 14 वर्षों से हम जो मांग कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने हमसे जो 4 प्रस्ताव मांगे थे उसकी जानकारी दी। कलेक्टर साहब को हमने कन्विंस करने के लिए आए थे सब, क्योंकि हम लगातार 1 महीने इसके लगभग हुआ हमको शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। जो 9 तारीख को हमारी हुकार रह रही है उसमें आप स्वयं पधारिए और हम आपको हमारा जो प्लान है और जो हमारा ज्ञापन है जो सीधा मुख्यमंत्री महोदय के नाम से उसको देने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि जो मुख्यमंत्री जी ने 4 बार सार्वजनिक घोषणा और 6 बार वादे किए हैं उसको पूरा करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसलिए भी मांग कर रहे हैं कि हमने भाजपा शासन जो है उसको लगभग 60 साल से हम उसको जिताते आ रहे हैं और पहला अधिकार हमारा कहीं ना कहीं मांग की बनता है स्लम जिले के बागली को जिला बनाए। बिल्कुल बागली को जिला बनाया जाए। बागली तहसील से आज एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट आई थी जिनकी मुख्य मांग ये है कि उनको देवास ज़िला का जो हेडक्वार्टर है वो दूर प्रतीत होता है और ऐसी सच्चाई भी है ऐसी। उसके हिसाब से उनकी इच्छा है कि बागली को अलग से ज़िला बनाया जाए, बट चूंकि ये मामला शासन से संबंधित है इसलिए इसकी डिटेल रिपोर्ट और जो आज ज्ञापन आया है उसको शासन को हम भेजेंगे। सर लगातार आंदोलन भी वहाँ पर चल रहा है इसमें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बागली में इस प्रकार का मंच भी लगा हुआ है और रोज़ वहाँ पर इस प्रकार की बात हो रही है कि उनकी एक सुदृढ़ इच्छा है कि बागली अलग से ज़िला बनाया जाए। पर यकीनन जैसा कि हमने कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जो शासन पे निर्भर करता है, शासन की क्या आने वाले टाइम में योजनाएं हैं उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इस पूरे मामले को हम शासन को रेफ़र करेंगे।